बैठे साहब, अब हम के मुँह आए थे यहाँ तो कम एकदम से मुँह आए थे क्या करे बा। हाँ। और हमारे बाप के मरे के बाद दो जने के नाव चढ़ के बाद दोनों भाई के। हाँ। लेकिन एक बाद हम के मुँह आई का उनके नाव कही थे जमे नेपाल कहानी को। तो क्या खतौनी में आप मृतक हैं क्या? हाँ हाँ। क्या मृतक है मतलब मर गया है? तो आप यहाँ पे आए क्या कहने के लिए कि हम जिंदा हैं क्या कहने के लिए? हाँ सर हम जिंदा है। अच्छा जिंदा है। अधिकारियों से कहे आप बात किए हैं क्या कहे अधिकारी? अधिकारी से बहुत कहा लेकिन कोई सुनते नहीं है। सुनवाई नहीं हो रही है। 15 साल से हम दौड़ रहा है सब कुछ। 15 साल से मृतक घोषित है। हाँ हाँ। कल शाम को ये प्रकरण संज्ञान में आया है। इसके संबंध में अभी फिलहाल हम लोग जाँच करा रहे हैं। जो उनकी विशेष रूप से बात थी वो ग्राम अमायू की ज़मीन को लेकर के थी। हम लोगों ने गांव में आज टीम को भेजा था तो वहाँ पे उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर ये पता चला कि वो लालगंज के रामपुर गांव के रहने वाले हैं। वहाँ भी हम लोगों ने टीम भेजी है। अभी उनसे मुलाकात हुई नहीं है। मुलाकात करके उनके पूरे प्रकरण को जानेंगे कि क्या है उनकी समस्या। वैसे हम लोगों ने जो अपने स्तर पर जाँच कराई है उसमें ये पता चला है कि इनके ज़मीन के संबंध में पहले एक वरासत हुई थी लेकिन बाद में फिर तहसीलदार न्याय के न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया गया था और उसमें निर्णय हुआ। निर्णय होने के उपरांत माननीय राजस्व परिषद में फिर निगरानी योजित हुई। वहाँ से निर्णय होकर के फिर से तहसीलदार न्याय के न्यायालय में मामला विचाराधीन है और जांच कराने के पश्चात जो भी उचित कार्रवाई होगी या न्यायालय से जो भी यथोचित विधिसम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हम लोग संपादित कराएंगे।